दोस्तों, जब हम एक लैपटॉप खरीदने के लिए या एक पीसी असेंबल करने के लिए जाते हैं तो तभी हम ये सोचते हैं कि हम कौन सा प्रोसेसर खरीदें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रोसेसर के बारे में ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं देवाशीष, आप देख रहे हैं टेक नेक्स्ट। दोस्तों, आज के मार्केट में प्रोसेसर की दो बड़ी कंपनियाँ हैं, एक है इंटेल और दूसरा है AMD। देखा जाए तो मार्केट में इंटेल का प्रोसेसर ज़्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों, अभी मार्केट में इंटेल का चार प्रोसेसर्स अवेलेबल है, A1 पेंटियम, दूसरा है i3, तीसरा है कोर i5 और चौथा है कोर i7। दोस्तों, आजकल के मार्केट में पेंटियम इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, अभी कोर i3 एक बेसिक ऑप्शन बन गया है। तो कोर i3 प्रोसेसर क्या है, ये एक डुअल कोर प्रोसेसर है जो हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। इसमें टर्बो बूस्ट आपको नहीं मिलेगा, इसका कैश मेमोरी कम है इसलिए इसका प्राइस कम है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोर i5 के बारे में। दोस्तों, कोर i5 कोर i3 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसमें आपको चार कोर देखने को मिलेगा, यानी कि ये चार कोर वाला एक प्रोसेसर है। ये हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि इसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक हाइपर थ्रेडिंग वाला प्रोसेसर की तरह यूज नहीं कर सकता है। ये टर्बो बूस्ट को सपोर्ट करता है और ये i3 से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है और इसका कैश मेमोरी i3 से ज़्यादा है, इसलिए इसका प्राइस भी i3 से थोड़ा ज़्यादा है। दोस्तों, कोर i5 का जो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड है वो कोर i3 से ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन का है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोर i7 प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, कोर i7 एक ऐसा प्रोसेसर है जो अभी इंटेल के तरफ से मार्केट में लेटेस्ट आया है। ये हाइपर थ्रेडिंग और टर्बो बूस्टिंग दोनों को सपोर्ट करता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है इंटेल के तरफ से अभी मार्केट में। दोस्तों, आप किस प्रोसेसर को चूज करेंगे ये आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ थोड़े समय के लिए इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं या एक एक्सेल और पावरपॉइंट में काम कर रहे हैं तो कोर i3 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप छोटा मोटा एडिटिंग काम करते हैं फोटोशॉप वगैरह में तो आपके लिए कोर i5 बेस्ट रहेगा। और उसके साथ साथ अगर आप वीडियो गेम प्ले कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोर i7 आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं मेन टॉपिक यानी कि पैसे के बारे में। आपको कितना पैसा चाहिए कौन से प्रोसेसर खरीदने के लिए? दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा कैश मेमोरी चाहिए तो आपको ज़्यादा कैश पे करना पड़ेगा, यानी कि जो पैसा है वो कैश मेमोरी के हिसाब से ही डिपेंड करता है। कोर i7 का कैश ज़्यादा है इसलिए उसका कीमत ज़्यादा है, i5 का कोर i7 से कम है क्योंकि उसका कैश भी i7 से कम है, और कोर i3 एक बेसिक प्रोसेसर है जो आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करने के लिए मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।